वालेकुम, मैं रानी पिज्जा द एडवोकेट और आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लीगल वे में और मलिर बार में इनायत इकबाल इनायत जतोई साहब का आज लंच था और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर नज़ीर अहमद शर साहब जो कि हाई कोर्ट के मतलब सीनियर लॉयर हैं हमारे और सिविल में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नज़ीर साहब? दुआएं अल्लाह के करम। आप सर, आप क्या समझते हैं सिंध बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं? 14 नवंबर को हाई कोर्ट बार का है और 28 को सिंध बार का इलेक्शन है। आप क्या समझते हैं स्पेशली सिंध बार के इलेक्शन में कैसे लोगों को आना चाहिए? भाई, हमारी तो ये कोशिश होगी कि जो फेयर लोग हैं और जो फेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वकला की वेलफेयर की बात करें, हमारी उम्मीद है कि हम उनको सेलेक्ट करें ताकि वकील की वेलफेयर के काम कर सकें। अच्छा, इससे पहले भी जो इलेक्शन में इलेक्टेड होकर मेम्बरान आ चुके हैं और वो साल साल से इस सीटों पर विराजमान हैं, आप क्या समझते हैं उन्होंने वकला की वेलफेयर की या नहीं की, मेडिकल के हवाले से, उनकी मतलब बेनिवल फंड के हवाले से और भी दूसरे जो वकला के जो मसाइल हैं उनको हल करने की उन्होंने कोशिश की या वो फेल हो चुके हैं? भाई देखें, अभी तक तो हमारे मामला वहीं के वहीं हैं। मेडिकल हमारा नहीं बना है, न वेलफेयर के फंड्स बढ़े हैं। तो हमारी कोशिश है कि नए चेहरे आएँ ताकि हमारे सिंध बार के नए चेहरे काम करें ताकि वकीलों की वेलफेयर बन सके। आप क्या समझते हैं कि मेडिकल के हवाले से हमारा अपना कुछ मतलब मेडिकल सेटअप होना चाहिए? बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उसमें हम एज ए वकील भी पैनलाइज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई, हमें तो कोशिश है कि हम ऐसे मेम्बरान लाएँ जो हमारी मेडिकल की गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात कर सकें ताकि हम वकला भी अच्छी अच्छी अस्पतालों में अपनी ट्रीटमेंट और अपनी फैमिली की करा सकें। आप सिंध बार में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी इकबाल इनायत जतोई साहब का प्रोग्राम है, हम उसी को सिंध बार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थे नज़ीर अहमद शर साहब जो कि इकबाल इनायत जतोई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी कोशिश है, इनकी दुआ है कि ऐसे लोग, नए चेहरे लोग आए जो कि वकला की वेलफेयर के हवाले से और उनकी मेडिकल के हवाले से और उनकी बेनिवल फंड के हवाले से उनका मतलब वेलफेयर का काम कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आ जाए सर, इसको करके आ जाओ।